हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज़ पीसी में हॉटस्टार में ये एरर आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में 3 डॉट्स दिख रहे हैं, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर आना है। फिर आपको यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर क्लिक करना है और यहाँ पर बेसिक टैब में टाइम रेंज आपको ऑल टाइम सेलेक्ट करना है। इस तरीके से यहाँ पर इस बॉक्स में टिक करना है। फिर यहाँ पर आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है। उसके बाद गूगल क्रोम में ब्राउजिंग डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्टोर सेटिंग टू देयर ओरिजिनल डिफॉल्ट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको रिसेट सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है और आपको जो है यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को अनेबल करना है, यूज़ ग्राफिक एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल, इस तरीके से अनेबल कीजिए। फिर आप गूगल क्रोम को क्लोज कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है विंडोज़ 11 के सर्च बार में आपको टाइप करना है कंट्रोल पैनल। फिर आप इसको क्लिक कर कर ओपन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर चेंज अडाप्टर सेटिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक कर कर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और आपको जो है यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर कर यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर कर प्रीफर्ड DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप करना है, अल्टरनेट DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप करना है। फिर आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल सेटिंग्स को क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको एक बार चेक करना है आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। अगर आपके पास इंटरनेट ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो आप जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाइए। आपको विंडोज़ की प्रेस करते हुए आपको आई प्रेस कर देना है, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ट्रबल शूट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अदर ट्रबल शूटर पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन का ऑप्शन है, आप यहाँ पर रन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। दोस्तों, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको सेटिंग को क्लोज कर देना है। उसके बाद आप अपने PC को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।